नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आइए रुक करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों पर। शिवसेना आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, इसकी जानकारी संजय राउत ने सोमवार को दी है। उन्होंने बताया कि महाविकास अघाड़ी की घटक और उद्धव ठाकरे नेतृत्व वाली शिवसेना 16 नामों की सूची जारी करेगी। असम में वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में जुटे राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उनका भविष्य अंधेरे में है और 2026 तक कांग्रेस नहीं बचेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देश के दूसरे बड़े नेवी एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। तुरबत शहर स्थित पाकिस्तानी नौसेना के स्टेशन पर हमले के बाद पाक सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। होली के दिन सोमवार को अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान पर सिनेमाघरों में खूब रंग चढ़ा और इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर सबसे तेज दौड़ लगाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2024 सीजन में अपना खाता खोल दिया है और वो भी अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। होली के दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के साथ रनों की होली खेलते हुए टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई है। ऐसी तमाम और अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।